जैसा नहीं है। सब लोग मेरी बात सुनो, ये जैकेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं और जिमिन हाई स्कूल में पहनते थे। ओह वाओ, हाँ वो क्या हसीन दिन थे ना। मैं हाई स्कूल में बहुत ही ज्यादा टेक इंसान था और मैं अक्सर इसके साथ स्नैपबैक पहना करता था। तो आज के रणबीर केस की थीम है गोल्डन बेल। गोल्डन बेल, गोल्डन बेल। तो आज का रणबीर केस है BTS गोल्डन बेल। जाइए दो टीम्स बना के सात गेम्स खेलेंगे एमसी जिन के साथ। तो एमसी जिन को अपने लिए एक टीम को चूज करना होगा। अगर उसकी टीम हारी तो उसे अपनी पेनल्टी को पूरा करना पड़ेगा। तो जो इस गेम को जीतेगा उसके लिए मेरे पास एक शॉकिंग न्यूज़ है। हाँ? क्योंकि उसका अवार्ड होगा मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या सच में जंकू? हाँ हाँ सच में। ओह माय गॉड, चलो शुरू करते हैं गेम। ये सुनते ही मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई। अरे वाह, जीतने वाले को जंकू का कंप्यूटर मिलने वाला है। फिर तो एमसी तुम ही बन जाओ जंकू। ठीक है, तो हमारी पहली गेम होगी। यो जंकू, पहले तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मेरे कंप्यूटर का मॉनिटर है 32 इंच का। क्या कहा, एक बार फिर से कहना। ओह नो वे, ये सब विनर्स का होगा फिर। तो क्या फिर हम जंकू को ही डिसाइड करने दे कि आज की पेनल्टी क्या होगी? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। सबसे अच्छी वाली पेनल्टी क्या होगी, इस बारे में क्या ख्याल है? हम लोग साथ और एक साथ माउंटेन पे जाए क्लाइंबिंग करने के लिए। तो अच्छा, मतलब सबको ही सजा मिलेगी फिर। तो चलो फिर टीम को डिवाइड कर लो। हाँ चलो। अरे ये कैसी टीम है? क्या तुम गंसम किम हो? हाँ मैं गंसम किम हूँ। मैं भी गंसम किम हूँ। और तुम? मैं हूँ गंसम किंग। तो वी रैम मॉन्स्टर और जिन टीम ए। हाँ, और हम लोग हैं किम ब्रदर्स। ओ तुम लोग सब किम्स हो। और हम लोग हैं मिनजुंग पार्क। ओ मिनजुंग पार्क, मिनजुंग पार्क तो बहुत अच्छा नाम है। तो थर्ड गेम खत्म होने के बाद जंकू पेनल्टी डिसाइड करेंगे। तो बताइए आप कौन सी टीम चूज करते हैं? तुम्हें ये बात अपने दिमाग में रखनी होगी कि हारने वाली टीम की पेनल्टी को तुम्हें पूरा करना है। तो तुम लोग की पहली गेम है यस और नो गेम। यस और नो। तो देखिए इसकी पहली गेम है यस और नो गेम, जिसमें से एमसी के सवालों का जवाब यस और नो में देना है। तो कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुमने खाना खाया था? हाँ खाया था। खाना कैसा था? अच्छा था खाना बहुत। तुम बताओ क्या ये सच है? हाँ ये बिल्कुल सच है। तुम बताओ क्या तुम्हें एमसी पसंद है? हाँ मुझे पसंद है एमसी। तुम्हें एमसी का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है? उसका चेहरा। क्या वाकई में? मुझे उसका सब कुछ पसंद है। तुमने खाना कब खाया था? मैंने आज सुबह खाना खाया। क्या आज का मौसम अच्छा है? हाँ मुझे लगता है। कितना अच्छा है? काफी ज्यादा अच्छा है। थोड़ी सी सर्दी भी है आज, लेकिन मुझे तो सर्दी नहीं लग रही। हाँ क्योंकि तुमने जैकेट पहनी हुई है। ओह बहुत अच्छा जवाब दिया शुगा। क्या तुम किताबें बहुत पढ़ते हो? हाँ मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम ग्रुप का सबसे हैंडसम मेंबर हो? हाँ मैं मोस्ट हैंडसम बंदा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। क्या तुम हैंडसम? हाँ हो? मैं सच में बहुत हैंडसम हूँ। ये लोग जवाब देने कितने अच्छे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कभी खत्म होगा क्योंकि इनकी जबानें बहुत लंबी हैं। क्या जेके ने ये सारे क्वेश्चन पूछे थे हमसे? ओह तो ये क्वेश्चन थे सब? हाँ नहीं ये सवाल नहीं थे, ये तो बस ऐसे ही शोर मचा के तंग कर रहा था। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है एमसी क्या सोचता है? सच बताना। हाँ सच कहूँ तो मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ आंसर पे। चलो यस और नो गेम को शुरू करते हैं। लाओ एमसी मैं बन जाता हूँ। चलो रॉक पेपर सीजर करते हैं और मैं सिर्फ जीतने वाली टीम के साथ ही खेलूंगा। पहले कार्ड पिक करो। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। ठीक है जाता हूँ। तो क्या मैं दोबारा से एमसी बन गया हूँ? एमसी बनना बहुत मुश्किल है। तो मैं हूँ आप लोगों का एमसी। चलो पहले रूल तो सुन लो। तुम लोगों का पहला रूल है एमसी की आंखों को अवॉइड नहीं करना है, और दूसरा रूल है कि सिर्फ 2 सेकंड में ही जवाब देना है, और तुम लोग अपना आंसर यस और नो में नहीं दोगे। अगर तुम लोगों ने यस और नो कहा तो तुम लोग ये गेम हार जाओगे। और अगर हम लोग आउट हो जाते हैं तो क्या हमें इस रबर हैमर से मारना होगा? हाँ। तो चलो गेम को शुरू करते हैं।
वी क्या तुम्हें एमसी पसंद है? हाँ मुझे एमसी पसंद है। तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? यही कि तुम हैंडसम हो। हाँ, ये पादने की आवाज़ कहाँ से आई है? किसने पादा? तुम बताओ किसने पादा है, बताओ मुझे। हुँ? 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 देखो इसने जवाब नहीं दिया। नहीं नहीं, ये तो एक स्टेटमेंट था। तुम इस तरह से चुप नहीं हो सकते। माफ करना, लेकिन मैंने ही पादा था। हाँ? दूर हो जाओ यहाँ से। वी को सिर्फ सेकंड रोल की वजह से जाना पड़ रहा है। आनंद, क्या तुम इस बात से एग्री करते हो कि मैं मल्टीपल हैंडसम इंसान हूँ? हाँ, मैं एग्री करता हूँ। तो फिर मेरी एक अच्छी से तारीफ करो। तुम्हारी आंखें बहुत ही चमकदार हैं। शिमिशी, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा। तो जंको ये गेम इस तरह से खेलते हैं। चलो ठीक है, चलो फिर गेम को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किम नामजून। क्यों? इसलिए क्योंकि ये नाम मेरी अम्मी ने रखा है मेरा। अच्छा, तो ये नाम तुम्हारी अम्मी ने रखा है? अच्छा, हमें तो लगा तुम्हारे अब्बू ने नाम रखा है तुम्हारा। युंगी। हाँ। आंखें खोल के देखो और मुझसे कुछ सीखो कि गेम को किस तरह से खेलते हैं। देखो मैंने इस गेम को कितना इंटरेस्टिंग बना दिया है। क्या क्या तुमने इसे इंटरेस्टिंग बनाया है? इसे देखो, ये अपनी तरीके खुद ही किया जा रहा है। वाह। मैं अकेला ही हूँ जो अभी तक ये गेम हारा नहीं है। क्या मैंने तुमसे कोई सवाल किया? मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया ना। हाँ बिल्कुल। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि ऐसा कुछ हुआ है? तो तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ऐसा कुछ हुआ है? हम लोग कंप्यूटर तो हार ही चुके हैं, लेकिन हम लोग कितना हंस रहे हैं ना। अभी तुम ये बोलते हो, कितने इनोसेंट लग रहे थे। क्या सच में है? नहीं, कतई जहर लग रहे थे। चलो सब लोग लाइन में के खड़े हो जाओ, मैंने तुम लोग को अभी तक एक भी हथौड़ा नहीं मारा। तो पहले गेम जीते हैं किम ब्रदर्स। हाँ। अरे मैंने जानबूझ के ये सब किया, मैं तो इस गेम को थोड़ा फनी बना रहा था। शुगर, तुम तो बड़े कॉमेडियन हो। हाँ, मैंने कभी गुरूर नहीं किया। क्या पहली गेम खत्म हो चुकी है? हाँ, हम लोग हार गए हैं। हाँ सही कहा, जंकू की टीम जीत चुकी है। ओ, ये तो बहुत आसान था। तो चलिए नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं। तो हमारी सेकंड गेम है हम लोग एक ही हैं। तो हमारी सेकंड गेम का पहला क्वेश्चन है आप लोगों से। तो BTS की न्यू एल्बम लव योर सेल्फ में आपको सॉन्ग में एक जिन की लाइन गानी होगी। पारक मिंजू, पारक मिंजू। नहीं नहीं, ये गलत है। चल जंकुक। तेरी सूरज आ रहा है, तीनों रे आ रहा है। ओके। ओके। पूरी वाइस चला। नहीं नहीं, ये जिन नहीं है। पारक मिंजू, पारक मिंजू। हमने भी तो यही पार्ट गाया था, हमारा वाला काउंट क्यों नहीं किया? नहीं, ये एक डिफरेंट पार्ट है। ये वो है जहाँ जंकुक और वी एक साथ गाना गाते हैं पहली लाइन में। आई सी। तो चलिए अब दूसरा सवाल पूछते हैं। तो सवाल है, आपको जलाने के बाद क्या हुआ? एक ऐसा वर्ष जो जीते खत्म होता है, और कोरिया में इसका मतलब अशेष है। जंग जंकुक, पारक मिंजू, पारक। पहले जंकुक ने नाम लिया, बताओ। सोजिन। हाँ जिन, सोजिन। सही जवाब। सुना भी तो तुम सब लोगों को खाना खाना पसंद है ना? हाँ, हमें बहुत पसंद है। हाँ, जानता हूँ तुम लोगों को भुगड़ो। तो मेरा सवाल है, उस बच्चों वाले सॉन्ग का नाम बताओ जिसके लिरिक्स फूड पर हैं। पार्क, पार्क मिंजू। बताओ शुगर, वो क्या था? जंग जंकुक। सड़ा हुआ टमाटर। तुम बताओ। गाजर वाला गाना। तुम बताओ। दूध वाला गाना। बिल्कुल सही जवाब। क्या ये इसका टाइटल है? अरे हमने एक भी सही जवाब नहीं दिया। चलो हम लोग अपनी सीट बदल लेते हैं, तुम आगे बैठ जाओ। गेम खेलने में कितने अच्छे हो। अगर तुम लोग कंप्यूटर जीत गए तो प्लीज एक बार मुझे भी चलाने देना। तो आपका अगला सवाल है, क्या आपको BTS के सारे गाने पसंद है? हाँ, हमें पसंद है। युंगी, तुम बताओ BTS का कौन सा गाना तुम्हारा फेवरेट है? हैंड्स डाउन उल्ट्रो और हेयर। हाँ, उल्ट्रो और हेयर बेस्ट है। तो तुम लोग के लिए सवाल है, BTS का एक ऐसा गाना गाओ जिसके एक मिसरे में लफ्ज़ BTS आता है। पारक मिंजू। कौन सा वो गाना था, क्या था? चल भाई शुरू भी कर अब। सब ये इरान के फैन कैसे सुनो। अरे म्यूजिक क्यों नहीं है? म्यूजिक तो बजाओ। हाँ शुगर, ये क्या था? वाओ, शुगर के डांस ने तो मुझे खुश कर दिया। तो मैं इस डांस की खुशी में इसको 5 पॉइंट देता हूँ।
लेकिन ये कैसे हो सकता है कि डांस पॉइंट तो बिल्कुल भी कट नहीं किए जाएंगे? नहीं, ये तुम लोग की मेहनत का फल है, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। अगला सवाल है नामजुन, हाँ क्या तुम इस सॉन्ग का नंबर जानते हो? अगर मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी ना देख सकूं तो? और तुम, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। और तुम, मैं 3 सेकंड कैसे इंतजार कर सकता हूँ? सारांगे नोल सारांगे वो मेरे मारे को यार। चलो मैं तुम लोगों से अगला सवाल पूछता हूँ। तो BTS के सॉन्ग का नाम बताओ जिसके लिरिक्स में नंबर आता है। पार्क जंगमन, पार्क जंगमन। रुको एक मिनट, मुझे पता है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। 1, 2, 3 जल्दी करो। ओके ओके, जंगकुक जंगकुक जंगकुक। नहीं ये नहीं माना जाएगा, तुम लोगों ने ठीक से नहीं बोला। पार्क मंजुन, पार्क मंजुन। तुमने तो स्टेज पे आग लगा दी। वाह क्या बवाल निकला। तो मेरा अगला सवाल है जंगकुक, हाँ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा ब्लैक है, ब्लैक कलर। ऐसे फ्रूट का नाम बताओ जो रेड हो। पार्क मिंजन, हाँ बताओ। सेब, नरम खजूर। आलू बुखारा, सही जवाब। लेकिन नरम खजूर नहीं लाल होती। क्यों, क्या तुमने कभी खाया नहीं? ये सब लोग लाल ही होते हैं। खजूर लाल नहीं होती, वो ऑरेंज होती है। क्या तुमने कभी कोई पकी खजूर नहीं देखी? क्यों तुमने नहीं देखी? वो सब ऑरेंज होती है। नहीं इसका मतलब है कि चाइनीज में रेड होती है। हाँ चाइना में रेड होती है।